हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 4 फ्रॉम द अनडिस्कवर्ड तमिलनाडु सीरीज। पिछले एपिसोड में वी वर इन द ब्यूटिफुल बीचेस ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार एक्सप्लोरिंग एन अनएक्सप्लोर्ड लोकेलिटी ऑफ तमिलनाडु। लेकिन इस एपिसोड में हम बीचेस को पीछे छोड़कर बढ़ रहे हैं माउंटेन्स की ओर। आपके लिए अनडिस्कवर्ड और खूबसूरत जगहों को लाना मेरा काम है और ऐसे ही एक अनोखे लोकेशन को ढूंढते हुए मैं आज पहुंच रही हूं तमिलनाडु की उस जगह में जिसे कहा जाता है द क्वीन ऑफ हिल्स। वेलकम टू ऊटी। तो मैं फिलहाल गल्फ ऑफ मन्नार से ड्राइव करके जा रही हूँ टूवर्ड्स ऊटी और ये ड्राइव काफी लंबा है, अराउंड 8 घंटे का, और इसलिए मैं सुबह जल्दी निकल गई। रास्ते में मैंने लिया एक ब्रेकफास्ट पिट स्टॉप और फिर सफर पे निकल पड़ी। इफ यू आर ड्राइविंग टू ऊटी एज वेल वाइल यू आर इंचिंग क्लोजर, आपको सीनरी में काफी डिफरेंस दिखेगा। द प्लेस स्टार्ट्स टू लुक मोर ब्यूटिफुल, ग्रीनर एंड लेस्ड विद माउंटेन्स ऑल अराउंड। आफ्टर ऑल एक हिल स्टेशन में आने की अपनी ही बात है। अच्छा तो बताओ ऊटी के बारे में क्या जानते हो? हाउ डू यू एसोसिएट ऊटी? वो गर्मियों में छुट्टी वाली जगह, या फिर इंडिया में हनीमून वाली जगह, या फिर बस बचपन में मॉम डैड के साथ एक फैमिली हॉलीडे पे गए थे वो याद? आई नो, मेरा भी ऊटी आने से पहले कुछ यही ख्याल थे, लेकिन इस बार चलो आपको ऊटी की कुछ ऐसी जगहें दिखाती हूँ जो आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। For starters, let me show you one of the most beautiful homes that you can come and retreat at when in Ooty. तो मेन ऊटी मार्केट से जरा दूर, भीड़ भाड़ से अलग, perched in the center of a lush green tree plantation, I found myself a little home called the House of Joy. This villa is also an offering by Lux Unlock Villas, जिनके कुछ और यूनिक प्रॉपर्टीज आपने पहले इस तमिलनाडु सीरीज में देखे होंगे। The home is a beautifully done up space that opens into a large airy dining area as you enter. आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा लिविंग रूम मिलेगा आपको, and there's also a fully furnished kitchen, and then my most favorite part, a little garden area outside the home. यहाँ भी एक छोटा सा community table बनाया है। You know the best part about these kind of homes, I feel, is that it's such a private space. You can just come here with your loved ones and relax and unwind, away from all the city chaos. दोपहर का वक्त हो चुका था एंड आई वॉज क्वाइट हंग्री, सो द केयर टेकर्स हियर सर्व मी सम अमेजिंग लंच एंड देन आई डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल। मुझे एक और चीज बहुत पसंद है जब मैं ट्रैवल करती हूँ, और वो है सनराइजेस और सनसेट्स को अलग अलग डेस्टिनेशन से देख पाना। दिस होम हैज लार्ज फ्रेंच विंडोज इन द लिविंग एरिया और यहाँ से एक परफेक्ट सनसेट आपको देखने मिलेगा, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। डूबते हुए सूरज के साथ कुछ गर्मा गर्म पकौड़े और कॉफी, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सेटिंग्स फॉर माई इवनिंग। बट क्योंकि ऊटी एक हिल स्टेशन है, यहाँ शाम में काफी ठंड बढ़ जाती है। मैं तो जनवरी में गई थी, सो द कोल्ड वॉज अ लॉट, सो दे सेट अप अ क्विक बॉनफायर फॉर मी इन द गार्डन एरिया अलॉन्ग विद अ लिटिल बारबेक्यू। और ऐसी जगहों में रहने का यही तो फायदा है, You get to experience such personalized experiences, unlike when in hotels. और डिनर में कुछ बढ़िया खाना और मेरे फेवरेट पायसम के बाद I called it a night. Good morning. एक खूबसूरत डेस्टिनेशन में सुबह आँख खोलने का मजा भी अलग होता है ना? घर से दूर लेकिन सूरज की पहली किरण जब आपको उठाती है और उठते ही आप एक नई जगह देखते हो, कुछ अलग ही फीलिंग होती है। आई लव माई मॉर्निंग्स इन एवरी न्यू डेस्टिनेशन दैट आई विजिट। वैसे तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये देखो, ये इस ब्रेकफास्ट ब्रेड को, इसे देखकर कैसे भला कोई मॉर्निंग पर्सन ना रहे। हेलो एंड अ
वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल ऊटी. वेल, मेरी गुड मॉर्निंग तो बहुत ही जल्दी हो गई थी, बट एज यू बीन सीइंग आई हैव बीन इमर्सिंग इन दिस प्लेस, टेकिंग इट ऑल इन बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल ऑल अराउंड. बट आज का दिन मैं डेडिकेट कर रही हूँ ऊटी में बाहर जाने के लिए, क्योंकि ऊटी एज अ डेस्टिनेशन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर आर सम प्लेसेस दैट आई हाईली हाईली वांट टू रेकमेंड दैट यू गाइस गो टू. तो इसीलिए अभी बस मैं निकल रही हूँ, गाड़ी आ चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है यहीं पर विला पे. तो अभी हम जा रहे हैं टू एक्सप्लोर द बेस्ट ऑफ ऊटी, सो लेट्स गो. ऊटी में वैसे तो जाने के लिए कुछ पॉपुलर स्पॉट्स हैं, लेकिन मुझे टूरिस्टी जगहों में नहीं जाना था और इसलिए मैंने कुछ ऐसी जगहें ढूंढी जहां शायद करने को इतना कुछ खास ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी दीज प्लेसेस आर नो लेस देन हेवन. यहां जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना इज एन एक्सपीरियंस टोटली वर्थ इट. मैं पहुंच गई एक लेक पे जिसका नाम है द एमरल्ड लेक. तो ऊटी में कई लेक्स हैं, जिसमें से पाइकरा लेक इज अ फेमस वन दैट पीपल यूजुअली गो टू, क्योंकि थोड़ा कमर्शियलाइज्ड है और वहां बोटिंग वगैरह भी होती है. बट मी बीइंग मी आई वांटेड टू विजिट समथिंग स्लाइटली नॉन कमर्शियल एंड लेस एक्सप्लोर्ड, सो आई ड्रोव डाउन टू द एमरल्ड लेक. फॉरेस्ट से बने हुए रास्ते से निकलकर आपको ये लेक दिखेगा दैट इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ स्टोरी बुक एंड इट डेफिनेटली लिव्स अप टू इट्स नेम, द ब्यूटिफुल एमरल्ड लेक. यू कैन स्पेंड सम टाइम हियर जस्ट सीटेड, मे बी रीड अ बुक और जस्ट वॉक अराउंड एंड टेक पिक्चर्स. तो एमरल्ड लेक से निकलकर मैं आ गई एक और अनडिस्कवर्ड जगह में, टू विलेज जिसका नाम है ग्लेन मॉर्गन. ग्लेन मॉर्गन एक छोटा सा गांव है विद जस्ट वेरी वेरी फ्यू होम्स. यू कैन वॉक अराउंड द विलेज टू इमर्स इन अ लाइफ फुल ऑफ स्लो लिविंग. देयर इज नो रश टू बी समवेयर, देयर इज नो कॉम्पिटिशन टू बी द फर्स्ट और द बेस्ट. लाइफ इज जस्ट लिव्ड हियर विद अ स्लो पेस एंड पीसफुली. थोड़ा वेंचर करते करते मुझे एक लेक भी दिखा और मैं बस यहीं पे बैठ गई फॉर अ वाइल, बिकॉज ट्रस्ट मी इट वाज सो ब्यूटीफुल आई जस्ट डिडंट वांट टू लीव. आपको ऊटी के कुछ ऐसे ही छोटे छोटे विलेजेस देखने मिलेंगे अगर आप किसी लोकल से पूछो और वहां जा सको. आई एम नॉट समवन हु लाइक्स विजिटिंग वेरी क्राउडेड टूरिस्टी स्पॉट्स. फॉर मी traveling is discovering, and discovering is meeting new faces in a destination, immersing in the local culture, watching people from afar but in their own habitats. To aise hi ek chote se village mein chalte chalte main pahunch gayi jahan pe kuch ghar the, kuch haste hue chehre aur kuch khoobsurat tea plantations. Uti itna khoobsurat hai ye to mujhe is baar yahan aake samjha. शाम होने लगी थी और ठंड बढ़ रही थी, तो अपने विला पे जाने से पहले आई स्टॉप बाय एट मॉडीज, अ वेरी पॉपुलर स्पॉट फॉर हॉट चॉकलेट. आई ग्रैब्ड अ क्विक वन एंड देन वी हेडेड बैक होम. तो इस एपिसोड में मेरा सफर तो बस यहीं तक का था, लेकिन मुझे नहीं लगता आई एम डन विद ऊटी येट, और इसलिए मैं अगले एपिसोड में भी आपको ऊटी की कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस दिखाऊंगी जो आपको यहाँ पर आने को मजबूर कर देंगे. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.